बॉडी ऑफ मास 3 kg हीट ए वॉल, एक बॉडी है 3 kg का, एक वॉल को हीट करती है एट एंगल ऑफ 60 degree और रिटर्न करती है, और इन दोनों के बीच जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है, देखो 3-4 बार आया यार ये सवाल, ठीक है, तो ये अपने आप से कर लो, ठीक है, मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। वो 60 degree पर हीट करती है और फिर वापस जाती है ऐसे, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल, तो बॉल जो कितना फोर्स लगाया होगा वॉल पे, या वॉल कितना फोर्स लगाया होगा बॉल पे, वो बात बराबर है यार, ठीक है। अब ये वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से ऐसे आया, ये 30 degree पर हिट किया और ये फिर 30 degree पे चला जाएगा। हमको पता है कि स्पीड वी होती है और यहाँ से स्पीड वी से ज़्यादा, एंगल बराबर होगा, तो 0.2 सेकेंड इम्पैक्ट है, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टी, तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, टाइम 0.2 सेकेंड इन्होंने दे रखा है। 0.2 सेकेंड क्या है? इस बॉल का इस वॉल के साथ कितना टाइम तक कॉन्टैक्ट रहा, यहाँ पे ये दोनों कॉन्टैक्ट में थे कुछ टाइम तक, रुक के सोचो थोड़ा दिमाग लगा के। चलो तो एक काम करते हैं, इसके हम कॉम्पोनेंट कर देते हैं, इधर जो मोमेंटम था एम बी उसके कॉम्पोनेंट कर देते हैं, तो एक मोमेंटम इधर जाएगा जो होगा एम बी कॉस 30, और एक मोमेंटम वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा जो होगा एम बी साइन 30, ठीक है, क्लियर है। और ये जो ऐसे जा रहा है उसका एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा जो होगा एम बी कॉस 30, और एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम बी साइन 30। आप देख रहे होंगे कि वर्टिकल में नेट मोमेंटम चेंज 0 है, वर्टिकल में एम बी साइन 30 यहाँ भी था, एम बी साइन 30 यहाँ भी है, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद भी, ठीक है, तो नो चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, देर इज नो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स इज ओनली एग्जिस्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वो फोर्स कितना होगा, ठीक है, एक दूसरे पे लगेगा वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 2 mb cos 30 और डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है, कर लोगे ना, समझ में आने भाई कैसे निकाला चेंज, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए 2 mb cos 60, ठीक है। तो 2 मास की वैल्यू दिया हुआ है 3 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हाँ इधर फिगर में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 10 यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम फिगर में 10, और कॉस 30 साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई ये 5 और मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया और ये आ गया, ये आ जाएगा 5 2, तो 3 × 2 = 6 0.5 नहीं था, ये 0.2 था बेटा, ये 0.2 है तो ये 0.2 है तो ये 0.2 है तो ये 0.2 है, तो ये 10 और ये 2, तो यहाँ पे 0.2 था, 0.10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट आ गया, ये 2 ये 2 ने ख़त्म कर दिया, और ये 5 और 5 यही 15 15 150 √3, तो 150 √3 मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है।